Please subscribe our YouTube channel Mukut Ke Bukkad and hit the bell icon for notification. तो है फूडी सुनकर भुक्कड़ में स्वागत है आपका। सफर है लाजवाब स्वाद का। तो हम लोग का जो वीडियो का ऑडियो खराब हो गया था, इसलिए मैं जो वीडियो का वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो हम लोग इस वीडियो में कस्बा ग्रैंड गए, जो काफी बेहतरीन रेस्टोरेंट है। वहाँ का जो एम्बियंस काफी बढ़िया है, सीटिंग अरेंजमेंट भी बहुत अच्छी है। वहाँ का फूड भी हमने ट्राई किया तो काफी बढ़िया लगा, जिसका रिव्यू मैं आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करूंगा। लेट्स गो गाइस। तो हे गाइस, ये आप देख सकते हो कस्बा ग्रैंड का सिटिंग अरेंजमेंट है, और इसका जो एम्बियंस मैंने दिखाने का ट्राई किया है, जो लाइटिंग वाइटिंग है, डेकोरेशन काफी बढ़िया है, आंखों को जो लुभाती है बहुत। और जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारे बॉडीगार्ड खड़े हैं यहाँ पे स्टील के सुरक्षा के लिए गाइस यहाँ पे। तो हे बॉडी, हम लोगों ने जो सबसे पहले स्टार्टर ऑर्डर किया था, और स्टार्टर में हम लोगों ने ऑर्डर किया था चिकन चटनी वाला। आप नाम बिल्कुल सही सुना है, नाम चिकन चटनी वाला है, क्योंकि ये जो तंदूरी चिकन रहता है ये थोड़ा चटनी के फ्लेवर के साथ आता है, चटनी का यूज किया जाता है ऊपर से, मतलब बोलो तो एक तरह से चटनी मार के दी जाती है। और पता नहीं कि रेस्टोरेंट वालों ने हम लोग को इसके साथ थोड़ा एक्स्ट्रा चटनी दिया था, मतलब जिसकी ज्यादा जरूरत नहीं, तो वो थोड़ा ओवर हो जाता है। मैं कहूँगा आप तो ना इसको बिना चटनी के ट्राई करिए, और बहुत अच्छा लगता है और बहुत टेस्टी था, ये काफी बढ़िया लगा था मुझे, और मैं कहूंगा कि आप भी इसको जरूर जाकर ट्राई करिएगा। तो है पूरी जैसे कि स्टार्टर का एक मेन कोर्स ऑर्डर किया जाता है, तो हमने भी एक मेन कोर्स ऑर्डर किया। और अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखा है तो आपको पता होगा कि मेरा जो सबसे फेवरेट डिश है वो बटर चिकन है। तो मैं ज़्यादातर रेस्टोरेंट में मेन कोर्स में बटर चिकन ही ऑर्डर करता हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ का जो बटर चिकन था वो बहुत क्रीमी था और स्वीट भी था, मैं कहूँगा। तो स्वीटनेस तो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती है सब डिशेस में, लेकिन इसका जो क्रीमी फ्लेवर था ना, इसके स्वीटनेस को काफ़ी बैलेंस कर रहा था, तो मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा था। और ज़्यादातर जैसे मैं बटर चिकन हूँ नान के साथ ट्राई करता हूँ, तो वो उसी के साथ बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको कहूँगा कि आप भी यहाँ का बटर चिकन एक बार ट्राई करिएगा, हो सकता है आपको थोड़ा अलग एक्सपीरियंस मिले बाकी रेस्टोरेंट से, और हो सकता है आपको अच्छा भी लगेगा। इस ज़रूर आकर ट्राई करिएगा। तो है पूरी स्टार्टर और मेन कोर्स तक हम लोग ने राइस ऑर्डर किया था, और राइस में हम लोगों ने चिकन केसर राइस ऑर्डर किया था, जिसकी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी थी। अगर टेस्ट करें बात करूँ तो जो इसका राइस अगर आप चिपकाएंगे तो उतना अच्छा नहीं था, इसमें जो चिकन रहता है वो थोड़ा मसाले से कोटेड था। अगर आप उसके साथ खाते तो उसका टेस्ट आपको ठीक लगता है थोड़ा, लेकिन फिर भी कहूँगा एवरेज का टेस्ट था, मुझे उतना कुछ पसंद नहीं आया था खास। तो अगर आपको ट्राई करना तो ट्राई कर सकते हो सकता है आपको इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगे, लेकिन इतना कहूँगा कस्बा ग्रैंड ज़रूर आइएगा अगर आप कभी यहाँ पे आए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत अलग एक्सपीरियंस भी मिल सकता है। यहाँ पे जो एक ओपन स्काई सिटिंग भी है और बैठने की जगह है, लेकिन हम लोग बारिश के सीजन में गए थे तो हम लोग को वो मौका नहीं मिल पाया था, हो सकता है आपको मिल जाए। तो मैं जरूर कहूँगा एक बार कस्बा ग्रैंड विजिट करिएगा। चाहे इस पर इतना कहूँगा, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस, और अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। बाय बाय गाइस, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।